संगम नगरी प्रयागराज में वकीलों के बीच में हुई मारपीट जिसके चलते हैं दोनों पक्षों से दर्ज BFIR। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है जहां आज सुबह लगभग से 11 बजे कचहरी परिसर में 2 महीनों के 2 अलग-अलग गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का कारण किसी मुकदमे को लेकर दोनों पक्षों में आपसी विवाद था। बात ही बात में विवाद इतना बढ़ गया कि पहले कचहरी के अंदर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई, उसके उपरांत जब दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा कन्हैया थाने लाया गया तो वहां पर भी दोनों पक्षों में काफी मारपीट हुई। अर्जुन के लाडू से चले पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ले ली है एवं फायर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी से शहर उत्तरी विधानसभा के दावेदारी कर रहे हैं। कर्नलगंज थाने में विजय द्विवेदी एवं उनके 3 साथियों अनिल पांड्या, अनुराग उपाध्याय, रितेश पांडे, शुभम मिश्रा सहित 15 से 20 अज्ञात साथियों के पर धारा 147, 352, 504, 506, 427, 392 और CLA 1932 के सेक्शन 7 के तहत मुकदमा कायम हुआ। इस विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज चतुर्थ अजीत कुमार चौहान ने मीडिया को बताया कि न्यायालय परिसर एवं थाना परिसर के CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों में मामला काफी पुराने समय से चला रहा था जिसकी वजह से कल यह मामला रौद्र रूप ले लिया और आज सुबह कचहरी परिसर में हुए मारपीट के बाद दोनों पक्षों को थाने ले गई जहाँ दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। कहाँ भैया, अगर कोई बात है तो आप कर ले भड़ा से गल जाए। मैटर एक बहुत छोटा सा मैटर था। हमारे एक मामा का लड़का है नीरज, ये वकील है, ये भी इनको माननीय विजय द्विवेदी जो अपने को विधायकी लड़ रहे हैं वकील भी बताते हैं जबकि वकील है नहीं, इन्होंने क्या किया, इनको फ़ोन कर करके एक विकास भवन में हरिकेश पांडे कर्मचारी है वो इनका कहीं से रिश्तेदार है, उनके खिलाफ़ इन्होंने जो कंप्लेंट ओपनेट किया था। ये बार बार इनको प्रेशर दे रहे थे कि वो कंप्लेंट वापस कर लो, नहीं तो ये कर देंगे, उठवा देंगे, ये कर देंगे। कल भी इनको ये फ़ोन करते के अर्दब दिए, तो ये चूँकि मेरे मामा का लड़के हैं, मैं घर पर था तो मुझको फ़ोन किया, भैया कोई विजय द्विवेदी है मुझको परेशान कर रहे हैं और आए दिन जो है फ़ोन करके मुझको ढूँढ रहे हैं और आए दिन फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। तो हम कहा अच्छा रुको हम बात कर ले रहे हैं, हमने फ़ोन किया विजय को, तो हमने कहा कि विजय भाई क्या बात है, तो कहें कोई बात नहीं है, हमने कहा कि वो उन्हें आपने फ़ोन किया था और हमारे मामा का लड़का है, क्या बात है। उसके बाद ये बात करते करते मुझको गाली गलौज करने लगे, कहें कि मैं कल कचहरी में आऊँगा और मैं देख लूँगा। बहरहाल हमने फ़ोन काट दिया क्योंकि मैं घर में परिवार में बैठा था, मम्मी चाची सारी लोग बैठी थी, मैंने कुछ नहीं। उसके बाद मैं उसको बहुत लाइट वे में लिया, उसके बाद मैं न किसी से मैंने बताया भी नहीं ये चीज़ को, हमने कहा छोटी छोटी घटना ख़त्म हो जाएगी। मैं कचहरी में बैठा था अपने सीट पे और ये कम से कम 20-30 लोगों के साथ, कम से कम 10-15-20 हॉस्टल के लड़के और कोर्ट में जो अपराधी टाइप के लड़के थे उनको ये लेके आए हैं, लॉकअप के सामने हम यहाँ बैठे हुए थे और ये मेरे ऊपर हमला कर दिया, हमको मारने पीटने लगे। फिर जब कचहरी में लोगों ने देखा भाई वो दिनेश भैया हमारे बैठे थे, दिनेश पांडे वो सीट पे जो है जाके उनसे भी अभद्रता किया, वो जो है बीच बचाव करने लगे, उनसे भी अभद्रता किया इन लोगों ने, बहरहाल किया। उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से भाग गए, फाइल कुछ साले लड़के थे वो हॉस्टल के, वो फाइल उठा लिए, कुछ फाड़ दिए, कुछ फाइल लेके भाग गए। और इस समय आप किस लिए थाने पर हैं? मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया हूँ, मुकदमा लिखा रहा हूँ, मुझको चोटें आई हैं, मैं मेडिकल भी करवा चुका हूँ, मैं इनको जेल भिजवाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये पूर्व में ये अपराधी हैं और 41 बीघा का जो मामला था आपको याद होगा जूसी का, जिसमें इनके भाई ठीक है उसमें जो है ये भी मुलजिम है, तो ये पूर्व से जो है भू माफिया से लेके सारी चीज़ें।
मैं सुशील कुमार पांडे एडवोकेट जनपद न्यायालय इलाहाबाद। एडवोकेट श्री सुशील पांडे जी द्वारा एक FIR यहाँ पे लिखवाई गई है मारपीट के संदर्भ में न्यायालय परिसर में, और जो भी वहाँ पे CCTV वगैरह होगी उसको चेक करके जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और FIR पंजीकृत की जाए, क्योंकि कार्रवाई। सर, मारपीट की घटना थाने के अंदर भी हुई है? थाने की भी जानकारी किसी ने बताई कि आपस में इन लोगों में हाथापाई हुई है कुछ ना कुछ थाने के बाहर या जहाँ भी, उसका भी CCTV हम लोगों के पास उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें चेक कर दी उसमें भी कार्रवाई। इस तरीके से थाने के अंदर हाथापाई होना या परिसर के अंदर हाथापाई होना, ये कहाँ तक सही है और इस पर किस तरीके की एक्शन? गलत है बिल्कुल, इसीलिए तो FIR की जा रही है और की जाएगी। क्या इसमें किसी को हिरासत में लिया गया या? अभी वो सब चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, अभी वो सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। जिसने गलती की होगी वही हिरासत में लिया जाएगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई।